रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सर रिवाइज कर दें प्लीज। तो बता दें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या होगा न्यूरल नेटवर्क में? ओके मैं बता देता हूं सर, ये पिछले डायग्राम पे रिवाइज करा दीजिए। यादी मैं रिवाइज करवा देता हूं। डीप लर्निंग के अंदर देखिए क्या फर्क है। डीप लर्निंग के अंदर आपका जो भी डेटा है सारा डेटा आप देते हैं, वो न्यूरल नेटवर्क से गुजरेगा और आपका जो आउटपुट है ए टू बी मैपिंग वो खुद ब खुद कर देगा। बीच में क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या चीज फाइंड होना चाहिए, कौन सा फीचर लेना चाहिए, कौन सा फीचर नहीं लेना चाहिए, वो सारा खुद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क खुद डिसाइड करता है। ये डायग्राम सिर्फ इतना कहती है, ठीक है। और ये डीप लर्निंग है और डीप लर्निंग का मकसद ये है कि सारी सारी फीचर इंजीनियरिंग कौन सा रिलेशन किसके साथ है वो सब कुछ खुद फाइंड करता है। मशीन लर्निंग में ये खासियत नहीं थी। मशीन लर्निंग में ये जो पीछे वाले इनपुट है ना ये रेलिवेंट होना चाहिए कि भाई साइज बैटरूम और न्यूरल एनिवर्टी ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। एक्स्ट्रा कोई चीज अगर आपने दी हुई है तो वो एक्स्ट्रा चीज आपके मॉडल को पूरा खराब कर देगी। तो ये बस इसके अंदर यानी फायदा है कि न्यूरल नेटवर्क खुद फीचर्स को फाइंड करता है। तो इसमें हर बाथरूम या बेडरूम की प्राइस हमें उसको अलग से पहले डिफाइन करनी पड़ेगी या फिर वो खुद ब खुद ही कर देगा? नहीं डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा, वो डेटा सेट था ना आपने देखा था एक्सेल फॉर्म में, ये रहा इस तरह का डेटा था हमारे पास, यही था ना डेटा। तो इस डेटा की जैसे ये डिफाइन किया हुआ लेबल डेटा है कि ये चीजें होती है तो उसके इतने प्राइस होते हैं, तो आपने ये इतना हिस्सा यानी काट के इनपुट कर दिया ए कर दिया और बाकी वाला जो लास्ट वाला कॉलम उसको बी कर दिया। तो इनपुट यानी पहला सैंपल जाता है उसका आउटपुट ये जाता है, दूसरा सैंपल जाता है उसका आउटपुट ये जाता है, तीसरा सैंपल जाता है उसका आउटपुट ये जाता है। तो सीक्वेंस से आपका एक एक इनपुट एक एक आउटपुट जाएगा और मशीन आपकी सीखती जाएगी। आप भी तो ऐसे देख रहे हैं ना इंसान, देखो मैंने आपको पहले जो दी कि इतना स्क्वायर फीट इतने नंबर ऑफ बेडरूम इतने नंबर ऑफ बाथरूम न्यूरल एनिमेटेड नहीं है उसके प्राइस ये, आपने इससे सीखा कुछ किया ये इसमें क्या पैटर्न है। दूसरा पैटर्न देखा उसके आपने देखा इतना स्क्वायर इतने बेडरूम बाथरूम न्यूरल एनिमेटेड उसके प्राइस ये है, यानी 115 से 150 मुझे पता चल रहा है और सेम साइज यानी 500 से 100 यानी आपके स्क्वायर फीट पड़ रहे लेकिन बेडरूम बढ़ रहा है तो 150 यानी आपके $35 के बढ़ गए। ये पैटर्न मेरा दिमाग फाइंड कर रहा है। तीसरा सैंपल देखा यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ यानी आपको साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बेडरूम वही है जबकि बाथरूम कम होगा न्यूरल एनिमेटेड लेकिन साइज की वजह से मुझे पता चला कि पैसे बढ़ जाते हैं और साइज बड़ा है नंबर ऑफ बाथरूम भी ज्यादा न्यूली रेनोवेटेड है तो देखने में 280 यानी मुझे कितने $70 का फायदा हो रहा है। फिर मैं देखता हूँ कि साइज और बढ़ गया और यहाँ पे आप देखते हैं ये चीज है और 355 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है 355 20 और 55 का मतलब है $75 का मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है कि चार चार। तो ये चीजें पता चली ये पैटर्न फाइंड हो रहा है, हमारा दिमाग भी इस तरह ट्रेन हो रहा है। इस तरह यही आपकी सैंपल्स पहला सैंपल दूसरा सैंपल तीसरा सैंपल चौथा सैंपल जितने ज्यादा सैंपल्स आप देखेंगे उतना ज्यादा आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। यही ना सर कि हम डेटा और सेट ऑफ रूल्स देंगे वो हमें फिर आउटपुट देगा। लेबल डेटा देंगे सेट ऑफ रूल्स लेबल डेटास एंड वो देंगे हम इसे डेटा तो उसी से आउटपुट फिर हमें देगा डिजायर के क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, इसमें रूल्स हम खुद डिफाइन करेंगे या ऑटोमेटिकली मशीन डिफाइन करेगी? मशीन खुद फाइंड कर रही है ना, वो खुद ही तो फाइंड कर रही है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अगर फीचर खुद डिफाइन करती है तो मतलब हमें किस तरह पता कि वो इम्पोर्टेंट फीचर ही डिफाइन करेगी? जिस तरह आपने वो एग्जांपल दी थी गाड़ी वाली कि गाड़ी चला रहे हैं तो अगर उससे फासला ज़्यादा है तो रेस कम करनी है, या अब ये फीचर है मतलब ये जो फासला जो फीचर है ये अगर वो ना डिसाइड करे तो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ ये किस तरह से इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो किस तरह से ये कर सकती है? इसका सीधा सा जवाब ये है जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना रेलेवेंट फीचर्स निकालेगी, वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उतना रेलेवेंट फीचर्स निकालेगी। तो अगर आपने कम डेटा दिया हुआ है तो कम रेलेवेंट फीचर्स निकाल लिए, ज्यादा डेटा देते जा रहे हैं तो एक मकाम ऐसा आएगा कि आपने बहुत ज्यादा डेटा दे दिया और उसने रेलेवेंट जितने पैटर्न्स थे वो सारे निकाल दिए, ठीक है। तो डीप लर्निंग आपसे ये रिक्वायर्ड करती है यार जितना ज्यादा डेटा होगा मैं उतना अच्छा सीखूंगा। इंसान की भी तो ये खासियत है नेटवर्क की न्यूरल नेटवर्क की, जितना ज्यादा मैं आपको ट्रेन करूंगा उतना ज्यादा आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो ये चीज मतलब ये इस तरह सीख सकती है कि वो इम्पोर्टेंट जो फीचर है जिससे मतलब एक्सीडेंट होने से बच सकता है तो वो निकाल सकती है डीप लर्निंग की ये खासियत।
बिल्कुल खास है लेकिन फिर दूसरा मैं लाजमी इस्तेमाल कर रहा हूँ जितना ठीक है ये जी अभी जो बात कर रहे हैं इसमें हम जो है वो एक आउटपुट जो है वो रिसीव कर रहे हैं जैसे प्राइस एग्जांपल की बात किया कर रहा हूँ और क्या ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं कि एक ही न्यूरल नेटवर्क यूज करते हुए हम मल्टीपल आंसर्स या मल्टीपल रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकें या सेट ऑफ डेटा हासिल कर सकें जी जी अब्दुल अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जवाब दिया था कि इनपुट और आउटपुट अभी आपका आउटपुट आप मोस्टली देख रहे हैं एक ही था आपके मल्टी आउटपुट हो सकते हैं ठीक है यानी प्राइस भी हो सकता है प्राइस के अलावा वो एरिया भी मुझे प्रेडिक्ट करके बता सकता है ठीक है उसके अलावा कंट्री भी प्रेडिक्ट करके बता सकता है तो इस तरह करके आप मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं अच्छा इस टाइप जी जी बिल्कुल इसमें ये प्रॉब्लम आती है और ये लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बायस हो जाते हैं ठीक है आपने बहुत ज्यादा पैटर्न देखे होते हैं आप लाइक बैठे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यानी हुआ मैंने मेडिकल से ना एंटर किया था और आपको पता है कि बड़े अच्छे नंबर आते हैं कराची में जब हम बोर्ड से एग्जाम देते हैं अच्छा जी तो अब क्या हुआ एक स्टूडेंट मुझे मिली और मैं यानी उनसे यानी टॉक हो रही थी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा माशाल्लाह सर हमारा ए प्लस बना मैं ग्रेट या मैंने कहा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ठीक है A1 ग्रेट लाना वो मेडिकल में लाना तो आपको क्योंकि आपने खुद एग्जाम दिए थे अच्छा फिर थोड़ी देर बाद बताया कि सर हमने शक्कर बोर्ड से दिए थे ठीक है तो अब वो बोर्ड चेंज हो गया तो अब लाइक आप यानी किसी से यानी बात करें टॉपिक के ऊपर रिसर्च के ऊपर तो आपकी यानी नॉलेज आपको पता चल रहा है कितनी है लेकिन नंबर उसके बिल्कुल टॉप क्लास तो ये अब आपको आपको बड़ी प्रॉब्लम यानी पता चली कि यार बोर्ड का भी मसला था अगर मैं उस बच्चे को कराची बोर्ड के हिसाब से यानी मैं इसको वैल्यूएट करता तो वो तो बहुत टॉप क्लास यानी टॉपर स्टूडेंट है लेकिन जब मैंने देखा कि वहां के बोर्ड के 10 बंदे मुझे मिले जिन्हें लाइक यानी बॉटनी जूलॉजी की कुछ यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाली चीजें थी फंडामेंटल्स उसमें भी उनकी प्रॉब्लम्स थी और उनके ग्रेड देखो तो A+ तो कोई चीज समझ आया क्या ना मैं सिर्फ और सिर्फ सक्कर बोर्ड के लोगों के ग्रेड देखता तो मैं कहता कि कराची के भी जो टॉपर्स यानी यहाँ के एग्जाम जिन लोगों ने दिए हैं मेडिकल से वो सारे के सारे नालायक बच्चे हैं ठीक है तो अब ये क्या ये मेरी बायसनेस हो गई ना कि मैं देखा क्या है यानी इंटीरियर सेल से जो भी यानी एग्जाम देके आ रहा है उसकी यानी कोई ना कोई यानी मसला है और कराची बोर्ड से जो दे रहा है वहां पे वो बिल्कुल डी ग्रेड ले रहा है लेकिन वहां पे उसकी नॉलेज बड़ी अच्छी है तो ये थोड़ी सी चीज होती तो ये आप बिल्कुल बायस हो जाती इसी मसले को हल करने के लिए फेडरल बोर्ड में SLOs आए हम भी अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं तो तकरीबन 40% पेपर आउट ऑफ बुक आता है या कंसेप्चुअल बेस्ड आता है सही सर हेलो जी 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 ओके डीप लर्निंग में जो आप डाटा इनपुट दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी जा सकता है जीना दोनों डाटा दिए जा सकते हैं स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डीप लर्निंग सबको हैंडल करता है अच्छा इसमें बायसनेस में एक चीज और भी है कि आपके मशीन भी बायस हो सकती है बेस्ड ऑन योर डाटा राइट क्योंकि अभी भी कुछ रिसर्च चीज आई थी उसमें ये प्रॉब्लम था जैसे फेस रिकॉग्निशन वगैरह में उन्होंने मसलन सिर्फ वाइट लोगों का डाटा इनपुट किया और बाकी किया तो जो एल्गोरिदम था वो एंड में बायस था बेस्ड ऑन अगेंस्ट ब्लैक पीपल या अगेंस्ट एशियंस तो वो बायसनेस आपकी इनपुट डाटा की बेस पे ट्रांसलेट हो सकती है ना मशीन में लाजमी होती है और ये हमारी जंग है हमारी डीप लर्निंग से ओवरफिटिंग से लड़ने के लिए हमारी जंग चलती रहती है कि यार हमारा डेटा
मॉडल का क्या फायदा है यार? Recording in progress. करके देंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं करके देंगे तो खुद फाइंड कर लेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। फिर डेटा साइंस आप